वेलकम गाइज वंस अगेन। आज हम 2008 में आई मूवी द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है जॉन हार्ट और एलिजा वुड। मूवी की शुरुआत में हमें एक बैटल फील्ड दिखाई जाती है जहां पर काफी सारे सोल्जर्स कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं, मगर इसी वॉर के बीचों बीच एक आदमी अपनी बुक लिख रहा है, वो भी बड़े ध्यान से, और ऐसा लगता है कि ये आदमी इस बुक को जल्दी से खत्म करना चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लेक्चर हॉल दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर आर्थर शेल्डन अपना लेक्चर दे रहे हैं। असल में शुरुआत वाले सीन आर्थर की स्टोरी का पार्ट है। आर्थर बोलता है कि वो यंग सोल्जर लुडविग विंस्टिंग था जिसने 20th सेंचुरी की बेस्ट फिलोसॉफिकल बुक लिखी, वो भी उस जंग के दौरान। वैसे लुडविग की रिसर्च मोस्टली एक सेंटेंस पे बेस्ड थी जो है कैन वी नो द ट्रुथ, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज किया और काफी रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बाद हमें एक जवान लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मार्टिन है, जो कि प्रोफेसर आर्थर को अपना आइडल मानता है। इसके बाद मार्टिन एक शानदार घर जाता है जो कि मिसेस ईगलटन का है, जहां मैडम पूछती है कि तुम मार्टिन हो ना जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ने आए हैं। तो मार्टिन बोलता है कि हाँ, मैं ओवरसीज स्टूडेंट हूँ और मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए आया हूँ। मार्टिन पूछता है कि मुझे आपके यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल सकती है, जिसके लिए मैडम मान जाती है। इसके बाद ये लोग बातचीत करने लगते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैडम ईगलटन प्रोफेसर आर्थर की अच्छी दोस्त हैं, और यही मेन रीजन है मार्टिन के यहाँ आकर रहने का और इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का। वैसे मैडम की बेथ नाम की बेटी भी है जो कि थोड़ी तीखी मिर्ची है। असल में बेथ इस हाउस की केयर टेकर है, तो उसे काफी काम करना पड़ता है जिस वजह से बेथ काफी नाखुश रहती है। वैसे बेथ प्रोफेशनली म्यूजिशियन है, तो वो मार्टिन के सामने खुद ही अपनी वाहवाही करने लगती है, मगर क्वाइट द अपोजिट उसकी मदर मैडम ईगलटन बेथ की हर समय झंड करती रहती है, तो इन दोनों के बीच में कुछ खास नहीं बनती। वैसे ये ओल्ड लेडी मार्टिन को वर्ल्ड वॉर की कहानी सुना सुनाकर काफी डराती रहती है। इसके बाद मार्टिन यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है जहाँ पे इंचार्ज पूछता है कि तुम पीएचडी स्टूडेंट हो ना, क्या तुमने अपना पीएचडी थीसिस सुपरवाइजर सिलेक्ट कर लिया है। तो मार्टिन बोलता है कि मैं प्रोफेसर आर्थर को अपना थीसिस सुपरवाइजर बनाना चाहूंगा, मगर इंचार्ज बोलता है कि अब प्रोफेसर आर्थर बच्चों की थीसिस सुपरवाइज नहीं करते, तुम्हें कोई और प्रोफेसर चूज करना होगा। मगर मार्टिन पूछता है कि क्या प्रोफेसर आर्थर से बात करने का कोई तरीका है, मगर इंचार्ज बिना कुछ कहे स्माइल करके यहाँ से चला जाता है। तो खराब मूड से मार्टिन घर लौट आता है जहाँ बेथ बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा काम नहीं बना, वैसे अगर तुम मेरी मॉम की हेल्प लेना चाहते हो तो सोचना भी मत, वो प्रोफेसर के अच्छे दोस्त जरूर हैं, मगर वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगी। इसके बाद जब मार्टिन नहा रहा होता है तब बेथ उसे बताती है कि 24th को प्रोफेसर आर्थर पब्लिक लेक्चर देने वाले हैं, तो वहाँ जाओ और प्रोफेसर को इम्प्रेस कर दो तो शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद हमें लेक्चर हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर एब्सोल्यूट ट्रुथ के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, और इसी लेक्चर में मार्टिन भी मौजूद था जो प्रोफेसर का ध्यान खींचना और उन्हें इम्प्रेस करना चाहता है। तो वो हॉल में अपनी स्टडी की थ्योरी बताते हुए बोलता है कि मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ में विश्वास रखता हूँ, मगर प्रोफेसर आर्थर के पास अपनी जिंदगी भर की स्टडीज का एक्सपीरियंस है, तो वो बड़ी आसानी से मार्टिन की थ्योरी को गलत साबित कर देते हैं। इवन मार्टिन को पब्लिक के सामने शर्मिंदा भी करते हैं और इस सबसे मार्टिन बहुत ज्यादा अपसेट है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाने की फिराक में है। मगर मार्टिन का स्टडी मेट उसे रोककर बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम नाकामयाब रहे, मगर जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। तो मार्टिन समझ जाता है कि उसी की तरह ये लड़का जिसका नाम पेड्रो है वो भी प्रोफेसर आर्थर का स्टूडेंट बनने में नाकामयाब रहा है। इसके बाद मार्टिन लौटकर अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगता है, मगर उसे घर के बाहर प्रोफेसर आर्थर मिल जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। मार्टिन बोलता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं बस आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। तो प्रोफेसर स्माइल करके बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इसके बाद ये लोग एक साथ घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लैंडलेडी मिसेज ईगलटन तो मर चुकी हैं। इसके बाद मार्टिन और प्रोफेसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस थाने बुलाया जाता है और इनसे काफी सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। इसके बाद जब प्रोफेसर की टर्न आती है तो वो ऑफिसर को बताता है कि मुझे कातिल ने खुद मिसेज ईगलटन के घर बुलाया था। असल में कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे एक नोट मिला था जिसमें लिखा था द फर्स्ट ऑफ द सीरीज, और नोट के पीछे मिसेज ईगलटन का एड्रेस और टाइम भी लिखा हुआ था, मगर मुझे नोट का मतलब काफी देर में समझ में आया, और जब तक मैं मिसेज ईगलटन के घर पहुंचा जब तक काफी देर हो चुकी थी, मिसेज ईगलटन मारी जा चुकी थी। इसके बाद प्रोफेसर को फ्लैशबैक आता है कि जब उसे मैडम की डेथ का पता चला तो उसने जल्दी से रूम में मौजूद हर चीज को ध्यान से देखना चालू कर दिया था, तो उसे पता चला कि मैडम मरने से पहले बोर्ड गेम खेल रही थी जिसे अकेला खेला नहीं जा सकता। इसके बाद मार्टिन देखता है कि जमीन पर एक तकिया पड़ा है और शायद इसी का यूज करके किलर ने मैडम को मारा होगा। इसके बाद प्रेजेंट में ऑफिसर आर्थर से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी स्पेशल याद आ रहा हो तो तुम हमें बता सकते हो,
तो प्रोफेसर बोलता है कि मर्डर नोट के पीछे एक सर्कल भी बना हुआ था और मेरे हिसाब से किलर मुझे चैलेंज कर रहा है। वो इस मर्डर के थ्रू मेरी इंटेलिजेंस को चेक करना चाहता है। प्रोफेसर बोलता है कि मर्डर के नोट पे लिखा था कि फर्स्ट ऑफ द सीरीज, यानी ये मर्डर सीरीज का फर्स्ट मर्डर है, और अगर कातिल को रोका नहीं गया तो न जाने वो कितनी हत्याएं करेगा। इसके बाद आर्थर मार्टिन को बताता है कि असल में मिसेज ईगलटन को कैंसर था और 5 साल पहले डॉक्टर्स के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जिंदा रहने वाली थी। वैसे उनकी बेटी बेथ अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी, मगर वो इस सबसे खुश नहीं थी क्योंकि वो अपनी माँ की देखरेख के चक्कर में अपने कैरियर, अपने ड्रीम में बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी। तो मार्टिन गेस करता है कि पॉसिबली कातिल उन लोगों को मारेगा जो वैसे भी कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। मे बी वो कातिल आपके साथ माइंड गेम खेलना चाहता है, वो सिर्फ उन्हीं को मार रहा है जो वैसे भी मरने वाले हों, और शायद पुलिस भी इन केसेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। इसके बाद आर्थर एक ऑर्केस्ट्रा जाते हैं जहाँ पर बेथ प्रैक्टिस किया करती थी ताकि प्रोफेसर बेथ को उसकी मदर की मौत की खबर दे सकें। वही मार्टिन मिसेस ईगलटन की फोटो देखकर गेस कर रहा था कि ये लेडी कैसे मरी होगी और उसे किसने मारा होगा, मगर तभी यहाँ पर बेथ आ जाती है जो शायद मार्टिन के साथ अपना दुख बांटना चाहती है। बेथ बताती है कि मुझे 2 घंटे तक इंटरोगेट किया गया और शायद पुलिस की नजर में मैं प्राइम सस्पेक्ट हूँ। वैसे उनका ऐसा सोचना बिल्कुल जायज भी है क्योंकि मैं 5 साल से दिन रात बुढ़िया की सेवा कर रही थी और हर रोज मेरे दिमाग में यही ख्याल आते थे कि ये बुढ़िया कब मरेगी, क्योंकि मैं भी सबकी तरह अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहती हूँ। तो मार्टिन बेथ को तसल्ली देते हुए बोलता है कि परेशान मत हो, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। वैसे कातिल ने प्रोफेसर आर्थर को एक नोट भेजा था जिसके हिसाब से कातिल कई सारे मर्डर्स करने वाला है और तुम्हारी मॉम तो बस फर्स्ट विक्टिम थी। नेक्स्ट डे पेड्रो मार्टिन को अखबार दिखाकर बोलता है कि तुम तो फेमस हो गए हो भाई, तुम्हारा फोटो प्रोफेसर के साथ छपा है। पेड्रो कहता है कि मैं मिसेज ईगलटन को जानता था और रूमर्स के हिसाब से 30 साल पहले मिस्टर एंड मिसेज ईगलटन, प्रोफेसर आर्थर और उनकी वाइफ एक साथ कार ड्राइव पे गए थे, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें मिस्टर ईगलटन और प्रोफेसर आर्थर की वाइफ मारी गई थी और अब मिसेज ईगलटन भी मारी जा चुकी हैं। यानी उन 4 लोगों में से 3 लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ प्रोफेसर आर्थर ही जिंदा हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद आर्थर और मार्टिन मिलकर मिसेज ईगलटन के मर्डर को फिर से डिस्कस करने लगते हैं, मगर दोनों की अलग अलग थ्योरी है जिसमें मार्टिन किलर को ढूंढना चाहता है क्योंकि ये उसके हिसाब से सही है क्योंकि उस किलर को इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, मगर प्रोफेसर आर्थर किलर को इसलिए ढूंढना चाहते हैं क्योंकि अगर किलर पकड़ा नहीं गया तो पुलिस प्रोबेबली बेथ पर मर्डर चार्जेस लगा देगी क्योंकि जिस ब्लो से मैडम को मारा गया है उस पर बेथ के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, मगर पुलिस को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बेथ अपनी मदर की कई साल से सेवा कर रही थी तो उसके सामान पर बेथ के फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही। पुलिस वाले तो अपना काम आसान करने के लिए बेथ पर चार्जेस लगा देंगे। वैसे मार्टिन ने कॉलेज में लॉर्ना नाम की गर्लफ्रेंड भी बना ली है जो कि शायद मार्टिन की ही तरह प्रोफेसर आर्थर की फैन है, मगर शायद इनका रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला क्योंकि मार्टिन को लॉर्ना से ज्यादा प्रोफेसर आर्थर और मर्डर केस की ज्यादा परवाह है। नेक्स्ट डे मार्टिन हॉस्पिटल जाता है, असल में लॉर्ना इसी हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो मार्टिन उससे मिलने आया है, मगर वेटिंग एरिया में मार्टिन की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि बहुत ही तगड़ा धार्मिक है और वो थोड़ी ही देर में मार्टिन को पका देता है। वैसे इस आदमी की बेटी सीरियसली बीमार है, अगर उसे लंग ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो मुश्किल ही बचेगी, और कोइंसिडेंटली प्रोफेसर आर्थर भी इसी हॉस्पिटल में आए हुए हैं ताकि वो केल्विन नाम के अपने एक पुराने स्टूडेंट से मिल सके जिसे कैंसर है। प्रोफेसर मार्टिन को बताता है कि केल्विन मेरा बेस्ट स्टूडेंट था, मगर वो अपनी स्टडीज में कुछ ज्यादा ही घुस गया और अपनी रिसर्च के चक्कर में वो बेचारा पागल हो गया। वहीं बेथ अब तक मार्टिन को पसंद करने लगी है, तो जब उसे पता चलता है कि मार्टिन की गर्लफ्रेंड भी है तो वो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है और इवन वो मार्टिन पर भी काफी ज्यादा भड़कती है। इसके बाद मार्टिन को यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी डोर पर एक नोट मिलता है जिस पर टाइम के साथ साथ एक हॉस्पिटल का एड्रेस भी था और कोइंसिडेंटली ये वही हॉस्पिटल है जिसमें लॉर्ना काम करती है। मार्टिन इस नोट को किलर का वार्निंग नोट समझकर जल्दी से लॉर्ना को कॉल करता है और केल्विन के बारे में पूछता है, तो लॉर्ना बताती है कि मैं अभी भी केल्विन को चेक करके आई हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, मगर तभी चेकिंग करने में पता चलता है कि केल्विन के साथ रूम शेयर करने वाला पेशेंट मारा गया है। तो मार्टिन और आर्थर जल्दी से बॉडी चेक करने चले जाते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर उन्हें पेशेंट के हाथ पर एक इंजेक्शन मार्क दिखाकर बोलता है कि पेशेंट को पॉइजन देकर मारा गया है, मगर अजीब बात यह है कि अगर हमें ये इंजेक्शन मार्क न मिला होता तो ऐसा लगता कि जैसे ये पेशेंट नेचुरल डेथ मरा हो। अब ऑफिसर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि कातिल उन लोगों को क्यों मार रहा है जो वैसे भी कुछ ही दिनों में नेचुरल डेथ से मरने वाले थे। वैसे ये मर्डर सीरीज का सेकंड मर्डर है जिसमें इन्हें एज अ सिंबल 2 इंटरलॉकिंग सर्कल मिले हैं, तो आर्थर इन्हें क्लास में ले जाकर समझाता है कि ये सिंबल्स किसी मैथमेटिकल सीरीज का पार्ट हैं, जिसे इतना तो जाहिर होता है कि किलर एक मैथमेटिशियन है
और तो और वो इन मर्डर्स को करके मुझे चैलेंज कर रहा है या पॉसिबली वो मेरा रिकॉग्निशन चाहता है, तो शायद किलर कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। इसके बाद मार्टिन रेडी होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे जाता है, मगर यहाँ पर आर्थर भी आ जाता है। और वैसे आर्थर और लॉर्ना को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और शायद इनका पहले क्लोज रिलेशन रह चुका है। तो मार्टिन ये सब देखकर काफी अपसेट है, मगर फिर लॉर्ना बोलती है कि सेकंड विक्टिम की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में कुछ भी टॉक्सिक नहीं था, और ऐसा लगता है कि जैसे सेकंड विक्टिम अपनी नेचुरल डेथ मरा हो। मगर आर्थर को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मार्टिन को भड़काने में लगा हुआ है ताकि वो लॉर्ना से दूर हो जाए। आर्थर तो ये तक कह देता है कि लॉर्ना भी पॉसिबल सस्पेक्ट है, जिसे सुनकर लॉर्ना बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मार्टिन और आर्थर बैठकर मर्डर सीरीज के नेक्स्ट सिंबल पैटर्न को ढूंढने लगते हैं और ये दोनों इस काम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद बैथ मार्टिन को मिलकर बताती है कि पुलिस ऑफिसर ने मुझसे फिर से पूछताछ की है, मगर इस बार उन लोगों ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम हमारे घर पे रहने आए थे और तुम प्रोफेसर आर्थर को अपना आइडल मानते हो, मगर प्रोफेसर ने तुम्हें भरे लेक्चर हॉल में शर्मिंदा कर दिया था। तो मार्टिन बैथ की बातों से अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि बैथ ने जानबूझकर पुलिस को हिंट दिया है कि वो मर्डरर हो सकता है, और ऐसा होता भी है। पुलिस ऑफिसर मार्टिन और आर्थर को अपने पास बुलाकर अपनी थ्योरी देता है कि हमें इस केस में न्यू कड़ी मिली है, जैसे कि मिस्टर मार्टिन आप, हमें पता चला है कि आप मिसेस ईगलटन के घर पे रहने आए थे ताकि आप मैडम के थ्रू प्रोफेसर आर्थर के कांटेक्ट में आ सकें, मगर आपका काम नहीं बना, तो तुमने प्रोफेसर का पब्लिक लेक्चर अटेंड करके उनका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, मगर प्रोफेसर ने तुम्हें लेक्चर में शर्मिंदा कर दिया, तो तुमने शायद बदला लेने के बारे में सोचा, मगर फिर भी किलर ने सिर्फ उन लोगों को मारा जो नेचुरल डेथ मरने वाले हों, यानी किलर मर्डर करने से ज्यादा प्रोफेसर आर्थर की एडमायरेशन और रिस्पेक्ट चाहता था। इसके बाद मार्टिन लॉर्ना से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बता देता है, तो लॉर्ना बोलती है कि मेरी मानो तो आर्थर से दूर रहो, पॉसिबली वो तुम्हें यूज कर रहा है और लास्ट में वो इन क्राइम्स को तुम पर थोप देगा। मगर मार्टिन लॉर्ना पे काफी ज्यादा भड़कता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इतना एज गैप होने के बावजूद लॉर्ना आर्थर को प्यार करती है और वो खुद लॉर्ना के लिए बस एक स्पेयर टायर है, तो लॉर्ना मार्टिन को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद मार्टिन पेड्रो से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि पेड्रो आर्थर से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेसर ने उसका रिसर्च मटेरियल चुराया है। इसके बाद मार्टिन एक नाइट कंसर्ट जाता है जहाँ पर काफी भीड़ आई हुई है। कंसर्ट के दौरान मार्टिन देखता है कि पेड्रो काफी अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो पुलिस को इशारा कर देता है और फिर ये लोग पेड्रो को चेस करते हैं। मगर जब वो लोग पेड्रो को पकड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो सिर्फ बिल्डिंग के रूफ पर इंसल्टिंग बैनर टांगने वाला था, तो ऑफिसर को कुछ एहसास हो जाता है, तो वो सभी लोगों को जल्दी से प्रोफेसर के पास चलने के लिए कहता है। मगर नीचे पहुंचने से पहले ही कंसर्ट के ऑर्केस्ट्रा वाले लोगों में से एक आदमी मारा जाता है, जिसे देखकर पब्लिक हल्ला काटने लगती है। इसके बाद प्रोफेसर ऑफिसर को बताता है कि मैं उस आदमी को जानता था, वो आदमी काफी समय से बीमार चल रहा था और तो और वो अपने वारंटी पीरियड से काफी ज्यादा चल गया, शायद ये नेचुरल डेथ है। और इस बार इस सीरीज के थर्ड मर्डर का सिंबल एक ट्रायंगल था, तो ऑफिसर प्रोफेसर से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे सारी बातें नहीं बता रहे हो, अगर तुम लोगों ने मुझे पूरी बात नहीं बताई तो मैं यही समझूंगा कि तुम भी इसमें शामिल हो। तो आर्थर मार्टिन की तरफ इशारा कर देता है, तो पुलिस ऑफिसर मार्टिन को रास्ते में उतार के चले जाते हैं, जिस वजह से मार्टिन काफी ज्यादा नाखुश है, क्योंकि बैथ की तरह प्रोफेसर भी उस पर ही इल्जाम थोपना चाहते हैं। नेक्स्ट डे मार्टिन न्यूज देखता है कि ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर ने दावा किया है कि उसने फर्मेट लास्ट थ्योरम को सॉल्व कर लिया है, तो दुनिया भर से रिसर्चर उसके लेक्चर को सुनने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मार्टिन और आर्थर भी। मगर जब ये लोग बस से जा रहे थे तब उन्हें लॉर्ना दिखाई देती है, तो बस से उतरकर मार्टिन लॉर्ना के पास चला जाता है। मगर उनकी डेट के दौरान मार्टिन को समझ में आ जाता है कि मर्डर वाले सिंबल असल में पाइथागोरियन सिंबल हैं। मगर लॉर्ना इस बात से काफी ज्यादा भड़क जाती है कि मार्टिन को उससे ज्यादा उन सिंबल्स और आर्थर से प्यार है। इसके बाद ये दोनों पुलिस थाने जाकर ऑफिसर को बताते हैं कि नेक्स्ट हमला एक यूनिवर्सिटी बस में होने वाला है, तो पुलिस जल्दी से एक्टिव हो जाती है। वैसे पुलिस को लग रहा है कि प्रोफेसर आर्थर ही कातिल हैं, तो वो लोग जल्दी से प्रोफेसर को जाके पकड़ लेते हैं। मगर तभी एक दूसरी बस में ब्लास्ट होता है और ये सब देखकर आर्थर बहुत ज्यादा शॉक्ड है, और ये बस एक यूनिवर्सिटी बस थी जिसका ड्राइवर वो आदमी था जो मार्टिन को हॉस्पिटल में मिला था, और तो उसकी बेटी को लंग डोनेशन की जरूरत थी। तो ऑफिसर आर्थर पे खूब भड़कता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इस अटैक के बारे में पहले से पता था, तुमने हमें पूरी जानकारी नहीं दी। मगर प्रोफेसर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। थोड़ी ही देर में मार्टिन और लॉर्ना भी यहाँ पे आ जाते हैं,
तो ऑफिसर उन्हें बताता है कि जिस बस में अटैक हुआ है उसमें 5 पॉसिबल ऑर्गन डोनर थे। इसके बाद जल्द ही घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सके। वैसे केलर ने बस के पेट्रोल टैंक में कुछ छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, मगर इस ब्लास्ट से ज्यादा लोगों को हार्म नहीं हुआ। और अब सबको लगता है कि उस बस का ड्राइवर ही सीरियल किलर है, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए एक डोनर चाहिए था। मगर मार्टिन को इस थ्योरी पे डाउट है, तो वो नेक्स्ट डे प्रोफेसर आर्थर से मिलने जाता है और कहता है कि असल में शुरुआत से कोई भी सीरियल किलर नहीं था, ये सब एक दिखावा था ताकि रियल ट्रुथ को छुपाया जा सके। तुमने ही इस क्राइम सीरीज और इस सिंबल सीरीज की शुरुआत की थी ताकि तुम रियल क्राइम को छुपा सको। मार्टिन बोलता है कि मुझे पता चला है कि मिसेज ईगल्टन को बेथ ने मारा है और पुलिस ने शुरुआत से ही बेथ को प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया था और वो लोग सही थे। बेथ ने ही मैडम को पिलो से मार दिया। बेथ अपनी मदर से बेहद नफरत करती थी, मगर फिर भी उसे मैडम की देखभाल करनी पड़ती थी। तो एक दिन गुस्से में बेथ ने मैडम को निपटा दिया, मगर फिर वो घबरा गई। तो उसने तुमसे हेल्प मांगी थी, तो तुम उस दिन एविडेंस को ठिकाने लगाने आए थे, मगर हम सबकी बदकिस्मती मैं वहाँ पे मौजूद था तो तुम एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो तुमने न्यू प्लान बनाया जिसकी शुरुआत बोर्ड गेम पे मौजूद एक जर्मन वर्ड से हुई जिसका ट्रांसलेशन सर्कल था, मगर तुम्हें सेकंड डेथ की जरूरत थी ताकि बेथ पर से पुलिस का ध्यान हट जाए। मगर गलती से सेकंड मर्डर का आइडिया मैंने ही तुम्हें दे दिया, जो ये था कि कातिल सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो कि ऑलरेडी मरने वाले हों। तो तुम हॉस्पिटल गए और एक पेशेंट को निडल से प्रिक कर दिया, मगर असल में वो पेशेंट तब तक शायद मर चुका था और इस बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था। तो तुमने इसका फायदा उठाया और थर्ड मर्डर असल में मर्डर था ही नहीं, वो नेचुरल डेथ थी, मगर तुमने इसका फायदा उठाकर मैसेज और सिंबल्स प्लांट कर दिए। ये सब बिल्कुल सही जा रहा था, तुम्हारी वजह से कोई भी नहीं मरा। तुमने तो सिर्फ नेचुरली डेड पर्सन की डेथ का यूज करके बेथ पर से पुलिस का ध्यान हटाया, मगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे काम को देखकर कोई और भी इंस्पिरेशन ले सकता है। वो बस वाला आदमी जिसकी बेटी को ऑर्गन चाहिए था, तो उसने तुम्हारी जगह पर फोर्थ मर्डर किया ताकि ब्लास्ट में इंजर्ड बच्चे का ऑर्गन उसकी बेटी को दिया जा सके। मेरे हिसाब से तुम किलर नहीं हो, मगर तुम्हारे ही इस सिंबल ट्रिक की वजह से वो इनोसेंट बच्चे मारे गए और तो और तुमने हम सभी को अपने हाथों की कठपुतलियों की तरह नचाया। मगर आर्थर बोलता है कि इस क्राइम सीरीज की शुरुआत मैंने नहीं बल्कि तुमने की थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बेथ तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर तुम्हें तो सिर्फ मैथ्स और मेरी पढ़ी थी। तुमने ना तो कभी बेथ पे ध्यान दिया और न ही लॉर्ना पर। तुम्हें याद होगा कि फर्स्ट डे जब तुम बेथ से मिले थे तब तुमने उसे कहा था कि तुम भी मेरी तरह आजाद हो सकती हो। तो बेथ ने इन बातों को सीरियसली ले लिया और फिर उसने मैडम ईगल्टन को मार दिया जिसने बेथ को अपने आप से बांध रखा था। यानी बेथ तो इस बर्डन से फ्री होना चाहती थी ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। और बेचारा मार्टिन बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।